सभी साथियों का एक बार स्वागत है, अभिनंदन है अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सिलेक्शन अड्डा। सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि एक बार फटाफट आ जाइए, वीडियो को लाइव ज्वाइन करिए और जो भी हमारे साथी देख रहे हैं वीडियो को, वो सभी लोग जो हैं इसको शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, सबसे पहले ये बताइए मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच पा रही है? ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो हैं टॉपिक इस समय पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं GS में संविधान का निर्माण। ठीक है, और संविधान के निर्माण के अंतर्गत हमने बहुत सारे पॉइंट थे वो पहले से ही पढ़े हुए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। टॉपिक का नाम है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि टॉपिक हमने छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लिया है, जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, और एक बार मैं बता देता हूँ कि इस टॉपिक में हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान सभा की बैठकें। किसकी बैठकें? संविधान सभा की बैठकें। तो एक बार फटाफट लाइव आ जाइए। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संविधान सभा की बैठकें। संविधान सभा की बैठकें, या संविधान सभा की बैठक भी कह सकते हैं, कई सारी बैठक हैं तो इसको चाहे बैठक कह दीजिए। और इसी को कहा जाता है अधिवेशन। क्या कहा जाता है? अधिवेशन। ठीक है, तो हम इस टॉपिक के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं फटाफट, शायद सभी लोग लाइव आ गए होंगे। तो देखिए इस टॉपिक को शुरू करें, इससे पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं कि हम इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि संविधान क्या है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान का प्रस्ताव कैसे आया, संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, संविधान में कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जो अपवाद के रूप में हमें दिखाई देती हैं, दूसरा संविधान जब बनने की तैयारी हुई तो संविधान में हमें क्या क्या चीज़ें आवश्यक हुई, इसके अलावा हमने संविधान सभा का गठन भी पढ़ लिया, संविधान सभा के चुनाव भी पढ़ लिए थे लास्ट में। और संविधान सभा के चुनाव में मैंने आपको बताया था कि जब संविधान सभा की सीटें गठित हुई तो यहाँ तक दो आपके मुख्य दल थे, एक का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरे दल का नाम था भारतीय मुस्लिम लीग। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि जब चुनाव हुए संविधान सभा के, तो संविधान सभा के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें मिली कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को केवल 73 सीटें मिली। तो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उनका मानना था कि उनका फ्यूचर भारत में ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना एक अलग देश की मांग करें, और इस वजह से उन्होंने यहीं से संविधान सभा के चुनाव के परिणाम के आधार पर अपने आप को संविधान से, संविधान सभा से और भारत से अलग कर लिया। और उन्होंने तय किया कि हम आगे चलकर एक नए देश की, एक मुस्लिम देश की मांग करेंगे, जिसे के आधार पर एक देश बना जिसका नाम था पाकिस्तान। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी जो मैंने बोला। अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक पढ़ रहे हैं संविधान सभा की बैठक। तो देखिए जब संविधान सभा भी बन गई, संविधान सभा की सभा बनने के बाद उसकी गठन भी हो गया, संविधान का चुनाव भी हो गया, मुस्लिम लीग को सीटें कम मिली, कांग्रेस को सीटें ज़्यादा मिली, तो मैंने कहा था कि मुस्लिम लीग यहीं से अपने आप को भारत के संविधान से, संविधान सभा से अलग कर चुकी थी। तो अब चुनौती थी कि बैठकें हों संविधान के लिए या संविधान निर्माण के लिए क्या हों बैठकें। तो हम लोग संविधान निर्माण के लिए, किसके लिए? संविधान निर्माण के लिए हमें बैठकों की आवश्यकता थी। तो संविधान निर्माण के लिए, संविधान निर्माण के लिए क्या की गई? बैठकें। संविधान के निर्माण के लिए क्या की गई? बैठकें या अधिवेशन, ये बात याद रखेंगे, बैठक या अधिवेशन। लेकिन यहाँ पॉइंट आता है कि इस बैठक या अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, यानी यहीं से मुस्लिम लीग ने अपने आप को अलग कर लिया, या हम कह सकते हैं मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, केवल जो भाग लिया था वो लिया था कांग्रेस ने। केवल किसने भाग लिया था? कांग्रेस ने। पहला आपको पॉइंट ये याद रखना है बढ़िया तरीके से। ठीक है, केवल एक ने भाग लिया था कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया। ठीक है, तो अब एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरा, जो कुल बैठकें हुई या कुल अधिवेशन हुए, उन अधिवेशनों की जो संख्या थी ये आपको याद करनी है। कुल अधिवेशन जो थे हमारे यहां, वो अधिवेशन थे 12। तो एक प्रश्न आता है कि संविधान सभा के लिए या संविधान सभा के गठन के लिए, संविधान सभा के गठन के लिए जो बैठकें हुई, जो अधिवेशन हुए, उनकी कुल संख्या कितनी थी? 12। ठीक है, अब एक पॉइंट और याद रखिएगा कि मैंने आपको पहले कहा कि कांग्रेस ने यहाँ भाग लिया,
कांग्रेस ने यहाँ क्या लिया, भाग भाग लिया, और भाग लिया किसने, नहीं मुस्लिम लीग ने। लेकिन यहाँ दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को संविधान सभा की बैठकों से अलग रखा, तो हम कह सकते हैं बैठकों से अलग रखा, बैठकों से अलग रखा। तो एक तो व्यक्ति अलग रखा, एक व्यक्ति तो कांग्रेस से ही रिलेटेड है, इनका नाम है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने भी फैसला किया कि हम इससे अलग रखेंगे, तो महात्मा गांधी ने स्वयं को इससे अलग रख लिया। और दूसरे से मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे, तो इन्होंने भी अपने आप को संविधान सभा की बैठकों से अलग रखा। तो कहां पूछा जाएगा कितने सदस्यों ने अलग रखा, तो याद रखेंगे कुल दो सदस्यों ने अपने आप को संविधान सभा की बैठकों से अलग रखा था। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अब जब संविधान सभा की बैठकें होंगी तो ये तय किया जाएगा कि संविधान सभा की बैठकों में संविधान का सारा काम देखेगा कौन। तो अब ऐसी कंडीशन में ये तय किया गया कि एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो संविधान को लीड करे, संविधान सभा की बैठकों की अध्यक्षता करे। तो बात आई अध्यक्षता की, संविधान सभा की अध्यक्षता कौन करेगा, तो किसकी बात आएगी, अध्यक्षता, संविधान सभा की जो अध्यक्षता होगी वो कौन करेगा। तो अब अध्यक्षता के लिए, अध्यक्षता के लिए प्रमुख व्यक्ति चाहिए थे जो कानूनी जानकार हो, कानूनी जानकार, कानूनी जानकार, सलाहकार, सलाहकार। अब कहा जाता है पहली बात तो कोई कानूनी सलाहकार या जानकार इतनी जल्दी मिला नहीं, तो एक वयोवृद्ध व्यक्ति थे, एक वयोवृद्ध व्यक्ति थे जिनका नाम था, जो वरिष्ठतम सदस्य भी कहलाते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने अध्यक्ष। लेकिन ये अस्थाई थे क्योंकि ये वरिष्ठ व्यक्ति थे, मतलब एज्ड थे, हम कह सकते हैं वरिष्ठतम व्यक्ति थे, अधिक आयु में थे। तो इन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब रहती है, जब तक आपको कोई परमानेंट अध्यक्ष ना मिले तब तक मैं अस्थायी रूप से संविधान सभा की अध्यक्षता करता रहूंगा। तो पहले जो अध्यक्ष बने वो अस्थायी अध्यक्ष बने, यानी टेम्परेरी अध्यक्ष बने। और यहां पर एक जरूरत थी संविधान के सलाहकार की, तो एक पद आया सलाहकार का, तो संवैधानिक सलाहकार बनाया गया जिसको संविधान की जानकारी हो, संवैधानिक सलाहकार। तो संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति हुई और इनका नाम है डॉक्टर बी एन राव। याद रखिएगा इनका नाम है डॉक्टर बी एन राव, डॉक्टर बी एन राव। क्या ये पॉइंट याद समझ में आ गया आपको, तो संवैधानिक सलाहकार कौन बनाए गए, डॉक्टर बी एन राव, ये तो परमानेंट थे। लेकिन अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा, पहले तो कोई व्यक्ति बनने को तैयार नहीं हुआ, और जो बनने को तैयार हुए उन्हें कानून की जानकारी नहीं थी, और जिनको जानकारी थी वो एज में ज्यादा थे, कहते थे बीमार थे, हम ज्यादा जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे। लेकिन इन्होंने ये कहा कि हम तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कोई नया परमानेंट व्यक्ति यानी स्थायी व्यक्ति अध्यक्ष ना बन जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको दो चीजें बता दी, तो एक बार हम प्रेस हेडिंग डालते हैं, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान, सभा का अधिवेशन, संविधान सभा का अधिवेशन। तो मैंने कुछ पॉइंट आपको बताए, ठीक है। भाई कोई भी समस्या है, दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी समस्या को लिखिए, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। ठीक है, और कोशिश करिएगा आपको बहुत चीजें, सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो अधिवेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो देखिए अब कहा जाता है कि कुल अधिवेशन तो मैंने बता दिए थे, कुल संख्या है 12, लेकिन महत्वपूर्ण संख्या बताई जाती है 3। जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं, महत्वपूर्ण बैठकें वो है 3। कितनी है, 3। एक एक करके हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण बैठकों में।
तो प्रथम बैठक जो है वो हुई है 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें एक अच्छा काम ये हुआ कि स्थायी अध्यक्ष भी मिल गया। तो कहा जाता है इसमें स्थायी अध्यक्ष मिला और वो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब सचिदानंद सिन्हा की जगह पर स्थायी अध्यक्ष बन गए थे, ठीक है। तो सबसे मेन काम यहाँ पर ये हुआ, कौन सी बैठक में, 9 दिसंबर 1946 की बैठक में, ठीक है। और ध्यान सुनिएगा, ठीक है। तो स्थायी अध्यक्ष की यहां पर मांग की गई 9 दिसंबर 1946 को। अब आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। लेकिन आपको कहा जाता है कि जो स्थायी अध्यक्ष मिले थे ये आपको पहली बैठक में तो मिले थे, लेकिन इनका केवल यहां केवल इन्होंने जानकारी दी थी कि मैं स्थायी अध्यक्ष बनने के इच्छुक हूं, स्थायी अध्यक्ष बनने के इच्छुक हूं। इन्होंने इच्छा व्यक्त की, किसने, इसकी बात कर रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, लेकिन अभी बने नहीं है, अभी इन्होंने काम यहां काम किया अस्थायी अध्यक्ष नहीं। तो कार्य किसने किया, अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष का मंडल डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने, ठीक है। तो कार्य किया किसने, अस्थायी अध्यक्ष ने, जो बैठक थी 9 दिसंबर 1946। अब इसमें क्या काम किया कि इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। तो यहां पॉइंट यह है कि यहां मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, और एक्चुअल में जो अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, वो अस्थायी अध्यक्ष बने यही, तो चुनाव अस्थायी अध्यक्ष का हुआ या चुनाव के आधार पर अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, वो बनाए गए थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अब एक लाइन में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सचिदानंद सिन्हा आप यहां बने, ठीक है, लेकिन यहां से इच्छा जताइए, लेकिन पूरी तरीके से सहमति नहीं दी कि वो बनने के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे। अगर मान के चलिए बनने के लिए तैयार हो जाते तो स्वाभाविक बात है कि ये सचिदानंद सिन्हा बनाए ही नहीं जाते, लेकिन ये बनने के लिए तैयार हुए दूसरी बैठक में। तो यहां पहला काम तो ये हुआ, इसके अलावा एक काम और हुआ प्रथम बैठक में। दूसरा काम क्या हुआ, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम बताया जाता है कि यहां कहा मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। तो मैंने पहले ही कहा था मुस्लिम लीग ने भाग इसमें नहीं लिया, ठीक है, पहली बैठक में। ध्यान सुनिएगा, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया और कहा अलग देश और अलग संविधान की मांग की। मुस्लिम लीग ने पहली बैठक में अलग देश और अलग संविधान बनाने की मांग की, ठीक है। और इसके बाद कहा जाता है, इसके बाद 1947 में भारत से ये अलग हो गया और 1940 में इसके बाद ही पाकिस्तान बनाने की मांग की, एक नाम भी दिया गया था। तो पहली बैठक वाला पॉइंट आपको समझ लेना है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 में हुई, ठीक है। काम क्या हुआ, अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष ने काम किया, नाम क्या था, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जिनके बारे में पीछे मैंने बताया है, और यहां मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया और मुस्लिम लीग ने अलग देश अलग संविधान की मांग की। लेकिन इतना भी पॉइंट कह सकते हैं कि पहली बैठक के आसपास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्थायी अध्यक्ष बनने की या अध्यक्ष बनने की इच्छा जताई थी, ठीक है। लेकिन जो स्थायी अध्यक्ष बनने का कार्य हुआ वो हुआ द्वितीय बैठक में। और ये द्वितीय बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को ही दूसरी बैठक हुई, और इसी में ये परमानेंट स्थायी अध्यक्ष बने, निर्वाचित हुए। द्वितीय बैठक में ये निर्वाचित हो गए, क्या, अध्यक्ष, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और इसी में सेकंड बैठक में, ठीक है, तो मैं सेकंड वाली की लाइन खींच रहा हूं, तो सेकंड जो है आपका ये है, सेकंड वाले में ही आपका एक और काम हुआ था यहां पर, उपाध्यक्ष भी बनाया गया, और उपाध्यक्ष था, इनका नाम था डॉक्टर एच सी मुखर्जी नाम के व्यक्ति थे, इन्हें उपाध्यक्ष बना दिया गया था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए उपाध्यक्ष पद संविधान सभा का कौन सी बैठक में आया, दूसरी वाली,
यानी 11 दिसंबर 1946, और अध्यक्ष पद कब आया पहली वाली में 9 दिसंबर 1946, और स्थायी अध्यक्ष कब बने तो स्थायी अध्यक्ष का पद जो आए वो द्वितीय बैठक में आया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, और अस्थायी अध्यक्ष यानी अध्यक्ष पद जो है वो पहली बैठक में आया था 9 दिसंबर 1946। जैसा प्रश्न पूछा जाए वैसा आपको आंसर लगा देना, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा जल्दी से। ठीक है, अब देखिए, अब कहा जाता है इसके बाद भी एक तीसरी बैठक भी हुई, हमने कहा महत्वपूर्ण बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक में ये तीसरी बैठक है, और तीसरी बैठक जो हुई है वो हुई है 13 दिसंबर 1946 को। कब हुई है? 13 दिसंबर 1946 को, पहली 9 दिसंबर को, फिर 11 दिसंबर को, फिर 13 दिसंबर को, और उसमें क्या हुआ, इस बैठक में हुआ उद्देश्य प्रस्ताव, यानी संविधान का निर्माण कैसे किया जाए उसके लिए एक उद्देश्य बनाया गया, और उद्देश्य बनाने की प्रक्रिया को प्रस्ताव कह दिया, तो हम कह सकते हैं उद्देश्य प्रस्ताव का निर्माण हुआ, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को किसने बनाया, तो इस प्रस्ताव को बनाया या तैयार किया पंडित नेहरू ने, तो पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया और इसे संविधान सभा के पटल पर रखा 13 दिसंबर 1946। ठीक है, और उसके बाद संविधान सभा ने, किसने, संविधान सभा ने, संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे अपना लिया, इसे अपना लिया, इसे अपना लिया, यानी 19 अपना लिया या अपनाया, कैसे अपनाया कि भैया कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो सही है, पहले जांच पड़ताल हुई और संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया। ठीक है, तो ये तीसरी बैठक कहलाती है जिसमें श्रेय पंडित नेहरू को जाता है। ठीक है, क्या ये पॉइंट सभी को समझ में आया, एक बार कमेंट करिए। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये था आपका मेन पॉइंट तीसरी बैठक का, और कहा जाता है इसी के आधार पर, मतलब जब ये स्वीकार कर लिया, तो स्वीकार करने का मतलब क्या था, इससे क्लियर हो गया कि हम अपना संविधान बना सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं संविधान निर्माण, संविधान निर्माण, संविधान निर्माण प्रक्रिया, संविधान निर्माण प्रक्रिया का कार्य, का कार्य, संविधान निर्माण प्रक्रिया का कार्य, कार्य, कार्य का रास्ता साफ हो गया। संविधान नहीं बनाए, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में क्या क्या चाहिए उसका रास्ता साफ हो गया, रास्ता साफ हुआ, साफ हुआ या हो गया लिख लो। तो इस तरीके से ये तीन बैठकें थी, कुल अधिवेशन 12 थे लेकिन मेन बैठकें तीन ही है। तो पहली 9 दिसंबर 1946, मेन काम क्या हुआ था, अस्थायी अध्यक्ष चुनाए गए, सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्होंने कहा कि जब तक कोई परमानेंट अध्यक्ष ना मिले तब तक मैं आपके पद पर काम करता रहूंगा। लेकिन जब दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, तब परमानेंट अध्यक्ष बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और परमानेंट अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी बनाए गए जिनका नाम था डॉक्टर एससी मुखर्जी। और तीसरी बैठक में जो 13 दिसंबर 1946 हुई, इसमें संविधान सभा के पटल पर पंडित नेहरू ने एक प्रपोजल तैयार किया, और उस प्रपोजल के आधार पर यह कहा कि संविधान बनाने में हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, और उसी को उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया। और जब उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश कर दिया गया, उसके लगभग एक सवा महीने के बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उसे पास कर दिया, और यहां से रास्ता क्लियर हो गया कि हमें अब संविधान बनाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि संविधान बनाने का रास्ता स्वीकार हुआ, यानी संविधान सभा ने, संविधान सभा ने, संविधान सभा ने संविधान बनाने, संविधान सभा ने संविधान बनाने, संविधान बनाने की मान्यता दी। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मान्यता दी। ठीक है, तो यह था आपका पॉइंट जिसका नाम था संविधान सभा की बैठकें या अधिवेशन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला पॉइंट बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, समस्या है, तो आप कमेंट करिए, और आप डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे जैसे ही कमेंट को देखें उसका हम लोग रिप्लाई देंगे। ठीक है, और अपने अपने सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। जाने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है
कि निःशुल्क आपको ये सेवा प्रोवाइड करा दें, जिससे आप लोगों को, सभी लोगों को जो गरीब बच्चे हैं जो पैसे नहीं दे सकते, उनको इस वीडियो का या इस प्लेटफॉर्म का फायदा मिल सके। आई होप आप लोग अपना ध्यान रखिए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बंद कर।